दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से मॉडल की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको एक बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। इसका आप डिज़ाइन देख भी रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे, सर मुझे एक ऐसा प्लान दीजिए जिसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन हो। और उसी मॉडल को मैं आज डिस्कस करूँगा जिसका साइज है 30x42 30x42 फिट में पूरा मॉडल मैंने बना कर रखा है। इसमें पोर्च भी आपको मिलता है। ये देखिए पिलर लंबे से खड़े हैं और इसके बाद ऊपर का डिज़ाइन और साथ साथ पोर्च का डिज़ाइन, तो बेहतरीन सा डिज़ाइन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज 30x42 फिट में। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूँ कुंजागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, ऐसे मॉडल्स मिलते रहते हैं नए नए, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। साथ साथ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें, इससे मेरे आप आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया आइडिया मिलेगा घर का, नया मॉडल्स मिलेगा जिसे आप देखकर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है उसी को डिस्कस करने वाले हैं, आप बने रहे। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको उसका रियलिस्टिक व्यू और देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपर तरीके बारीकी से यहाँ पर पीओपी का काम किया गया है। साथ साथ ग्रिल जो बनाई गई भी बहुत ही स्टाइलिश है, और जो पिलर्स हैं वगैरह, रेलिंग वगैरह, गेट वगैरह, सब कुछ बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक यूनिक प्लान देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। पिलर आपके दोनों फ्लोर को एक साथ ही कवर किया है, क्योंकि एक साथ पिलर बने हुए इसलिए दोनों पिलर्स हैं। इसका देखिए स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो दोनों तरफ विंडो आपको मिल जाता है, क्योंकि दोनों तरफ बेडरूम्स हैं। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बेडरूम है। मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, और आपको ये देखिएगा एक बारंदा टाइप का भी आगे मिलता है, और इसके बाद ये आपको पोर्च टाइप का मिलता है। जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में, जो कि आपका बड़ा सा हॉल है, और इसी हॉल से आपको पूरी जगह एंट्री है। आप यहीं से सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको दो बेडरूम देखिए लेफ्ट और राइट साइड मिलते हैं, और दोनों बेडरूम्स के लिए अंदर से ही मैंने डोर दिए हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बाहर से डोर की है तो आप बाहर डोर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बाहर लेफ्ट और राइट में आपको डोर्स मिल जाते हैं। इसका जैसे आप आगे जाते हैं तो फिर दो कॉर्नर पर, जो आपके कॉर्नर है इन पर आपको फिर से एक बेहतरीन से दो बेडरूम मिलते हैं जिसमें कि डोर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका लेटन बाथ कंबाइंड, बड़ा सा लेटन बाथ है दोस्तों मैंने यहाँ पर कंबाइंड किया है। और ये पीछे सबसे पहले ये सबसे पीछे आपका किचन बना हुआ है, और लेटन बाथ के जस्ट सामने आपका स्टेयर्स है जिससे आप चढ़कर ऊपर चले जाएंगे। तो ये फोर बेडरूम पोर्च बेहतरीन सा लेट बाथ किचन डिज़ाइन आपको मिलता है, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर आपका देखिए कवर्ड हो जाता है चार बेडरूम के साथ। एक बेहतरीन सा प्लान। रूम का साइज भी यहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि जगह काफ़ी पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिए पिलर का डिज़ाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। जैसे आप स्टेयर से आएंगे तो अंदर वाला पूरा पोर्शन सेम है, वही दोनों बेडरूम्स, पीछे वाले वही किचन, वही लेटन बाथ, वही आगे वाले दोनों बेडरूम, यही पूरा स्टेयर। सिर्फ आगे का मैंने ये बालकनी है ये डिज़ाइन कर दिया। ये देखिए बालकनी जो मैंने लगभग 2.5 से 3 फुट का आगे छज्जा दिया, इसके बाद राउंड शेप में बालकनी यहाँ पर क्रिएट की बीच में, और दोनों तरफ ग्रिल का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर गोल्डन कलर भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके घर को और एक चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर अगर राउंड कलर वाला जो ग्रिल है उसमें देखिएगा आपका जो ये पिलर से लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये आपके बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि राउंड शेप में बनाए गए हुए हैं। तो एक बेहतरीन सा ग्रिल आपको देखने को मिलता है, बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन ग्रिल की हम बात करें तो बेहतरीन से मिलती है। वहीं बात करें लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर फिर से वही सेम ग्रिल और चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। एक बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैंने पेश किया, और अगर आपको ये मॉडल पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और व्यूज शेयर जाते हैं, बट आप लोग तो ना लाइक करते हैं ना वीडियोज़ को शेयर करते हैं। प्लीज़ हमारे एफर्ट को आप थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं लाइक करके, वीडियो को अपने साथ फ्रेंडों के साथ शेयर करके, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाने हैं तो आप स्मॉल हाउस प्लान से ज़रूर जुड़ जाएं, और आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।